हेलो फ्रेंड, ओसिन लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आलू और लोबिया और गाजर की मिक्स सब्जी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्याज काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद ये टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, 2-4 लाल मिर्च साबुत और लौंग इलायची, दालचीनी और हींग डालूंगी और जीरा तेजपत्ता। तो मैं सबसे पहले सरसों तेल में बनाऊंगी। सरसों तेल गर्म होने के लिए मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी तेजपत्ता, उसके बाद मैं डालूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग। हींग ऑप्शन आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और लौंग इलायची दालचीनी। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज का टुकड़ा, गाजर, आपकी मर्जी है गाजर नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डाल दी हूँ। अब 1-2 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद मैं अब डाल ली हूँ लोबिया। इसको भी 2-3 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी थोड़ा टाइम 1-2 मिनट तक मिला लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आप डाल दीजिए हल्दी पाउडर। मिर्ची मैं 4 पहले ही डाल दी थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा कम ही डालूंगी। ये गरम मसाला पाउडर, मैं डालूंगी अब नमक आप अपना अंदाज से डालिए। इसको भी 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर, आप पीस के भी डाल सकते हो। प्याज और टमाटर पीस के भी, अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप इस तरीके डाल दें, तो पीस के डालने से और भी अच्छा होता है। और इसको मैं सूखा फ्राई ही करूंगी, इसमें पानी डालने वाला अच्छा नहीं बनता है, इसमें सूखा ही फ्राई करेंगे। तो देखिए कलर अभी कितना अच्छा लग रहा है। आप उसके बाद इसी तरह जब ऐसे खूब अच्छे से आलू गल जाए तो आपका सोच लीजिए ये सब्ज़ी तैयार है। अभी 5 मिनट तो लगेगा ही कम से कम। आलू लोबिया की सब्जी तैयार है। अब आप इसे चावल, रोटी, जो भी आप चाहें उसके साथ